सीएम डॉक्टर मोहन लाडली बहनाओं को ट्रांसफर करेंगे 1,576.61 करोड़ रुपए। शिवराज बोले, बहनों आज 10 तारीख है, खुशियों का सूरज चमकता रहेगा। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किश्त बुधवार को जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1.29 करोड़ लाडली बहनाओं के खातों में 1,576.61 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। राजधानी के कुशाभा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार से ही मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2024 तक मनाए जाने वाले महिला सशक्तिकरण सप्ताह की शुरुआत भी करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज बोले, बहनों आज 10 तारीख है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1,250 रुपए आने वाले हैं। मेरे लिए सारी बहनें देवी का रूप हैं और महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है। अब लाडली बहनें लखपति बहनें बने। शिवराज ने कहा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि यह योजना निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार मां बहन और बेटी के जन कल्याण में जुटी रहेगी। शिवराज ने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लाडली बहनों, आपके आत्मसम्मान, खुशियों और सपनों के लिए जो किश्त आपके खाते में आती है वो आज एक बार फिर आपके खातों में डाली जाएगी। मेरी बहनों के जीवन में खुशियों का सूरज हमेशा चमकता रहे, यही कामना है और इसके लिए मैं जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर 5 मार्च को भोपाल में जम्बूरी मैदान में रिमोट के जरिए लाडली बहना योजना लॉन्च की थी। रिमोट से ही योजना की थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था। शिवराज भाषण के दौरान घुटनों के बल बैठ गए, महिलाओं को प्रणाम करते हुए कहा, अभी तक मैं बेटियों की पूजा करता था लेकिन बहनों में भी माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को देखता हूँ। बहनों की सेवा का मेरा मुख्यमंत्री बनना और मानव जीवन सफल और सार्थक हो गया है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा था कि एक लाडली बहना सेवा भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे। पहली किश्त में 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। शिवराज ने कहा था कि यह राशि धीरे धीरे बढ़कर 3,000 रुपए तक की जाएगी। फिलहाल 1,250 रुपए प्रतिमा लाडली बहनाओं के खातों में डाले जाते हैं। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान ये कार्यक्रम भी होंगे। लाडली बहना योजना का कार्यक्रम प्रत्येक नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा समाज सेवियों की भी बुलाया गया है। जिला स्तर पर लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित बालिकाओं का सम्मान और उल्लेखनीय कार्य करने वाले शौर्य दल के सदस्य को भी सम्मानित किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।